अपने बिग बॉस के जर्नी को लेकर प्रतीक सहजपाल हुए इमोशनल और एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो उनके जो फैंस हैं उनके जो प्रतीक फैम हैं उन्होंने प्रतीक के लिए बनाया था और ये मोमेंट्स को देखकर प्रतीक जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रतीक अपने प्रतीक फैम से। अब देख रहे हैं फीफा फूज, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त पदांगी कर्णिक। वेल, फर्स्ट रनर अप ऑफ बिग बॉस सीजन 15 प्रतीक सहजपाल जो है एक बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी उन्होंने जी है। सबसे पहले तो उन्होंने बिग बॉस OTT सीजन 1 से शुरुआत की, वहाँ से उन्होंने ब्रीफकेस उठाया और बन गए सबसे पहले कंटेस्टेंट फॉर सीजन 15। काफ़ी अच्छी उनकी जर्नी रही है, लिटरली टॉप 3 में उन्होंने जगह बनाई शमिता को पीछे छोड़। और जब शमिता को पता चला कि प्रतीक टॉप 3 में आया है, शी वॉज़ वेरी हैप्पी फॉर हिम, शी हग देम एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी। इट वॉज़ करण वर्सेज प्रतीक, गुरु वर्सेज शिष्य, इसके बारे में बिग बॉस ने बोला भी। और उसके बाद टॉप 3 में वो आए, मेन स्टेज पर गए, फिर थर्ड पोजिशन पे पहले लग रहा था कि प्रतीक एलिमिनेट हो रहे हैं एंड इट इज़ गोइंग टू बी तेजस्वी वर्सेज करण, यानी तेज रन के बीच फाइट होने वाली है फॉर द ट्रॉफी। लेकिन करण जो है थर्ड पोजीशन पे आते हैं, सेकंड रनर अप बनते हैं और प्रतीक जो है फर्स्ट रनर अप बनते हैं। और उसको वो मोमेंट देखने के बाद किस तरीके से जो एक्स कंटेस्टेंट्स और जो फैमिली मेम्बर्स है सब लोग कितने ज़्यादा खुश हो रहे थे वहाँ पे प्रतीक को देखकर, वो वाला मोमेंट उस वीडियो में था। एंड तेजस्वी का ट्रॉफी लिफ्टिंग मोमेंट था, प्रतीक इमोशनल हो रहे थे, वो वाला भी मोमेंट था। सो इसी मोमेंट को जो है एक प्यारे से वीडियो में फैंस ने बनाया था और कहा कि अनबिलीवेबल नाइट, एक बहुत ही बेस्ट डे था मेरी ट्विटर जर्नी का। मुझे अभी भी गूज बम्स आते हैं जब सोशल मीडिया ने रिएक्ट किया जब प्रतीक को अनाउंस किया गया था एज रनर अप। प्रतीक सहजपाल सिर्फ एक नाम नहीं, एक इमोशन है। और प्रतीक जो है इसे रीट्वीट करते हुए इस ट्वीट को जो है यहाँ पे आए ट्वीट को रीट्वीट करते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है टू गेट देयर, दिन हो या रात बहुत मेहनत की है, कभी कभी तो खाना भी नहीं खाया या फिर इतनी नींद भी नहीं हुई, लेकिन इट वाज ऑल वर्थ इट। एंड ये सारी चीज़ें मुझे जो है इमोशनल करती है, मुझे रोना आ जाता है इसके बाद। थैंक यू प्रतीक फैम फॉर एवरीथिंग, मैंने ईच एंड एवरी इमोशन जो है बिग बॉस के घर में फील किया है, मैंने ड्रीम किया था, मैनिफेस्ट किया एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट कम ट्रू एंड माई ड्रीम एंड मैनिफेस्टेड सो मच, द बेस्ट हैज़ कम ट्रू। वो कह रहे हैं कि मैंने ड्रीम किया था, मैनिफेस्ट किया था और वो चीज़ें ट्रू भी हुई, द बेस्ट ऑफ द थिंग्स। और इसको लेकर वो काफ़ी खुश है, इमोशनल होते हुए दिखाई दे है प्रतीक सहजपाल। क्या कुछ कहना है इस बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई सी यू गाइस सून, टेक केयर।